आप सभी को सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि न केवल बैंकिंग बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सतर्कता का होना बहुत जरूरी है। इसके अभाव में हम एक अच्छे एवं स्वस्थ जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अतः सतर्कता में सबकी भागीदारी अपेक्षित है। इसी उद्देश्य से एक लघु फिल्म का निर्माण किया गया है। आइए इस फिल्म से प्रेरणा लें, सतर्क रहें और एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बने। सतर्क भारत, सशक्त भारत। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच सर। कांग्रेचुलेशंस। अरे सर, आई फॉरगॉट। कांग्रेचुलेशंस, बेस्ट एम्प्लॉई अवार्ड। थैंक यू। अरे सर, नाइस वॉच, डिजाइनर। हाँ, लेकिन सस्ती है, ओनली 25,000। ओनली? हाँ। कूल। अरे हाँ यार, मैंने तेरे बेटे के एडमिशन के लिए सेंट जॉन के प्रिंसिपल के साथ बात कर ली है। तू और भाभी जी कल किसी भी वक्त जाकर मिल लेना। अभी पैराटा। थैंक यू सो मच सर। हाँ, ये रजिस्टर रख अपने पास। एक काम कर, ये रजिस्टर वेदांत को दे दे। अंकल कैसे हैं? प्रीत, ये लो, पिनेकल में एंट्री कर दो। क्या साहब, आज भी एटीएम में कैश नहीं है, क्या करने का? कैश नहीं है? सौरभ। जी सर। सुबह ही एटीएम में 10 लाख रुपए कैश भरे थे, उतने तो होने ही चाहिए, इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गए? घबराइए नहीं सर, मैं तुरंत चेक कर लेता हूँ। शुक्रिया। एटीएम में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कैश डिस्पेंस नहीं हो रहा था। एक बात बताना भूल गया सर, तुम्हारे अच्छे काम को देखते हुए बैंक ने तुम्हें एटीएम एम्बेसडर बनाया है। यानी एक और काम, एक और जिम्मेदारी। सर, आप चाहे तो एक दो काम की और जिम्मेदारी दे सकते हैं। सौरभ, सौरभ। या सौरभ, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि अगर तुम ना होते तो ये पूरा ब्रांच तो मतलब। हाँ नीतू, बोलो। अरे ये इंटरबैंक रिकंसिलेशन नहीं हो रहा है, लाओ मैं कर देता हूँ। सौरभ आया, ये लो, हो गया। हाँ लाइए। अरे आप भी ना सर, कभी कैशियर, कभी टेलर, कभी असिस्टेंट मैनेजर, इसीलिए तो आप हो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। तुम्हें याद था? मैडम, आप हमारी बैंक की बहुत इंपॉर्टेंट और प्रिय कस्टमर हैं। हाय आलोक। हाँ हाँ जानता हूँ। असिस्टेंट मैनेजर लोखंड वाला ब्रांच है ना? हाँ हाँ बोलो। सिंपल, या क्रेडिट ऑप्शन क्लिक करो, मेन मेनू में जाओ, डायरेक्ट डिलीवरी क्लिक करो, डन। मेंशन नॉट ब्रदर, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं वहां आकर ठीक कर दूंगा। ओ हेलो, आप है कौन? मैं सौरभ। हाँ, पर आप मेरे सिस्टम पे क्या कर रहे हैं? आप ही का काम कर रहा हूँ। क्या? आपका डेटा बैकअप फाइल कर रहा हूँ। ओ योर सीट प्लीज। क्योंकि अगर आपका सिस्टम क्रैश हो गया तो आप अपने सर के बाल खींचने की बजाय कोई अच्छा सा बॉलीवुड का गाना गुनगुनाते हुए अपना सारा काम कर सकते हैं और बैंक भी बदस्तूर चलता रहेगा। हाँ? लीजिए, आपके सारे फाइल्स रिकंसाइल हो गए। What? फोल्डर्स भी अरेंज हो गए और डेटा बैकअप भी तैयार। हाँ? आप खंडाला वाले ऑफिसर्स किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हो ना? और आप यंग प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को एक काम और करना चाहिए, अपने सीनियर्स पे भरोसा। सौरभ क्या आदमी है ना, आप जानते हो उसे? सौरभ, उसे कौन नहीं जानता, उसको इस साल का बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ओ, तभी तो। तभी तो क्या? अरे वो अपने हर काम में कितना एफिशिएंट है और बैंकिंग प्रोसेसेस के बारे में तो मानो वो सब कुछ जानता है। और बातें
वेरी एंगेजिंग। जानती हूँ, अपने सभी ब्रांचेस में वो बहुत पॉपुलर है। हेलो। हाय, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? भूख प्यास तो लगती होगी आपको। हाँ, क्यों? गुड, तो ताज इंटरकॉन्टिनेंटल में शार्प 1 बजे। ओह, लंच? हाँ, अभी तो आपने बताया कि आपको भूख लगती है, तो लंच के लिए शार्प 1 बजे मिलते हैं। और आपको तो मुझे बहुत कुछ कहना है ना? मुझे आपसे? नहीं नहीं, मुझे आपको। जल्दी कीजिए, बाय। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। यस, एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। क्या है इसमें? मुझे नहीं पता, खुद ही देख लो। लेट मी ओपन इट। वैसे तो ये सिर्फ 5 लाख का है, पर इसकी असली कीमत तब होगी जब तुम इसे पहनोगी। थैंक यू सो मच। एक मिनट, मैं अभी आया। क्या हुआ? कुछ देर से देख रहे हो, तुम परेशान लग रहे हो, क्यों? कुछ नहीं। Come on, सौरभ, मुझसे तो मत छुपाओ। क्या हुआ? प्लीज टेल मी, क्या चल रहा है? शायद कोई तुमसे मिलने आया था। कौन था वो आदमी? मनमीत। 25 लाख रुपए लिए मैंने उससे मुंबई में फ्लैट लेने के लिए, हम दोनों के लिए। तो उसे पैसे वापस चाहिए। मैंने पापा से बोला कि, लेकिन पापा ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। पता नहीं कौन सी बात से नाराज है। पर वो आदमी वेट नहीं कर सकता, एटलीस्ट जब तक तुम पापा से पैसे अरेंज नहीं कर लेते। हाँ नहीं, उसे पैसे तुरंत चाहिए, नहीं तो धमकी देकर गया है। आरोही, आई फील वेरी स्कैर्ड। तुम प्लीज हिम्मत मत हारो, लेट मी थिंक। हमारे क्लाइंट है, प्राइवेट बैंक चलाते हैं, मैं बात करती हूँ उनसे। नहीं, तुम कोई रिस्क मत लो प्लीज। कम ऑन सौरभ, अब तुम और मैं अलग थोड़ी है, अब हम दोनों एक है। सौरभ वैसे रोज तो टाइम पे आता है, लेकिन आज क्यों नहीं? अरे वो देखो, वो आ गया। सॉरी सर, वेरी सॉरी। इट्स ओके। सौरभ ये हमारे क्षेत्र प्रमुख है। आई नो सर, अमित भार्गव, बैंकर ऑफ द ईयर 2010। अरे ये बात तो पुरानी हो गई। सौरभ इज अ मास्टर ऑफ फैक्ट्स, उसे अपने बैंक के बारे में कुछ भी पूछ लीजिए। बैंक लोन के बारे में, डिपॉजिट के बारे में, कुछ भी पूछ लीजिए। सौरभ के बारे में हेड ऑफिस में काफी चर्चा हुई है। सौरभ, शो मी अराउंड। सर प्लीज। एक्सक्यूज मी। सर, हमने आपके लिए एक कस्टमर मीट भी अरेंज किया है। वेरी गुड। सर वैसे तो ये ब्रांच हर मामले में बेहतरीन है, पर कई बार इसके एटीएम में पैसे ही नहीं होते। जी सर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। सुबह आया, दोपहर को आया, फिर भी नो कैश। आप लोग निश्चिंत रहे, इस पर जरूरी कार्यवाही तुरंत की जाएगी। यहाँ आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। विनीत जी से मिलकर इस समस्या की जांच तुरंत करें और इसकी रिपोर्ट मुझे भेजें। एक बात और। जी सर। मुझे खबर मिली है कि काफी समय से यहाँ इंटरबैंक रिकंसिलिएशन नहीं हुई है। आप जरा इस काम को अपने जिम्मे लीजिए और इसे तुरंत इम्प्लीमेंट कीजिए। हो जाएगा सर।
हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नीतू, ये सुबह सुबह इंस्पेक्शन? हाँ यार, वो निरीक्षण अधिकारी आए हुए हैं। किधर? वहाँ सौरभ सर के साथ सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में गए हैं। लॉकर तो चेक कर लिए, लाइए फाइल, लाइए। फिगर्स तो ठीक है, चलो एटीएम चेक कर लेते हैं। लीजिए, चलो। फिनिकल के बैलेंस में और डिस्चार्ज स्लिप में 67,000 का डिफरेंस है, ये कैसे? सर ये मुझे नहीं पता। वेल, इसकी तुरंत जांच करें और इसका रिकंसिलेशन करके जल्द से जल्द कंफर्म करें। घंटे भर में पूरे स्टाफ को मीटिंग रूम में इकट्ठा करें, वी नीड टू टॉक। ओके? जी सर। इस शाखा में कुछ एक कमियां पाई गई हैं जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। ऐसे में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप इसे हमेशा याद रखें कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और जो भी कमियां हैं उसे तुरंत दूर करके उसकी रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दी जाए। ओके? यार कैश का फिनिकल के हिसाब से मिलान कर लेते हैं। अरे छोड़ना यार, बाद में कर लेंगे, देर हो रही है। नहीं, याद है ना तुझे, सतर्कता बहुत जरूरी है। हाँ पापा। तो 10 मिनट लगेंगे। कमाल है यार, फिनिकल के हिसाब से तो 10 लाख रुपए होने चाहिए। हाँ, पर आज की डिपॉजिट मिला के इसमें सिर्फ 5 लाख रुपए हैं। पिछली बार तुमने ही जमा किए थे ना पैसे? हाँ मैंने ही किए थे, लेकिन उस टाइम पर तो फिनिकल में और मशीन के फिगर्स बराबर थे। पर ये कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल, इसकी खबर तो करनी पड़ेगी। क्या यार तू भी ना, रिपोर्ट करने से पैसे थोड़ी ना वापस आएंगे। मैं क्या बकरा यार, बैंक के पैसों में कमी हुई है, इसकी रिपोर्ट तो आगे करनी होगी। अरे सोहन देख, तू रिपोर्ट मत कर। हाँ, एक दो दिन में मैं पापा से पैसे लेके जमा करवा दूंगा। पर तू क्यों करेगा? यू मीन तुमने लिए है पैसे? देख 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 सोहन, एक्चुअली क्या था कि एक इमरजेंसी आ गई थी, तो कहीं से पैसों का जुगाड़ नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ से पैसे लिए थे। तू देख देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज तू किसी को मत बताना यार। देख सोहन, सोहन प्रॉमिस मी यार, किसी को मत बताना तू यार। देख मैं 2 दिन में पैसे जमा करवा दूंगा, तू प्लीज किसी को मत बताना यार सोहन। आपने देखा कि सतर्कता के मामले में यहाँ एक बड़ी चूक हुई, दूसरे अधिकारी को एटीएम में कैश की कमी को फौरन ब्रांच मैनेजर के ध्यान में लाना चाहिए था। हर बैंक कर्मचारी का यह नैतिक दायित्व है कि वह अलर्ट रहे और आसपास हो रही किसी भी तरह की गड़बड़ी को अपने उच्च अधिकारी की जानकारी में फौरन लाए। याद रखिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हेलो सौरभ सर, सर वो अभी तक आए नहीं है। ठीक है सर, बोल दूंगा। ठीक है सर। अकाउंट रिकंसिलिएशन का काम हो गया? नहीं सर, वो सौरभ सर की वेट कर रहे हैं। और सेफ डिपॉजिट की इवैल्यूएशन रिपोर्ट? सौरभ सर ने बोला था कि वो आके करने वाले हैं। सौरभ सौरभ सौरभ, लगता है इस ब्रांच का काम उसके बगैर हो ही नहीं सकता। कहाँ है, कहाँ वो? सर 11 बज गए, अब तक तो आ जाने चाहिए थे। एक भी पैसे, फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। ये क्या है, क्या हो रहा है? सर एटीएम में कैश नहीं है। चेक करो। पर फिनिकल में 30 लाख रुपए दिखा रहा है। सर फेस्टिवल सीजन है, एटीएम में पैसे तो डलवा दो। एक मिनट, चेक करो चलो। यस सर। सर आर यू श्योर, एटीएम में एक पैसा नहीं है? एक पैसा नहीं है, 30 लाख गायब है। मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन सौरभ सर ने कुछ कस्टमर से लोन भी ले रखा था। इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ी उसको? सर मनमीत दोस्त है उसका, मैंने करीब 2 रात पहले ही सौरभ को मनमीत के साथ देखा था। मनमीत, वो क्रिकेट का सट्टेबाज? जी सर। और सर मैं कुछ कन्फ्यूज करना चाहता हूँ सर। सर फिनिकल और एक्चुअल कैश में 3 महीने पहले भी अंतर देखने मिला। What? तुम्हें पता था? ओ सर, सौरभ सर ने बोला था कि वो अपने पापा से पैसे लेके 2 ही दिन में पूरा कर देंगे। What are you saying, Sohan? तुम्हें पता था कि सौरभ कैश निकाल रहा है?
दिस इज डिस्गस्टिंग। एटीएम से पैसे तुमने निकाले थे सौरभ? सो ने मुझे सब बता दिया है, उसने तुम्हें मनमीत के साथ भी देख लिया था। शेम ऑन यू, अब तो एक्शन होगा तुम पर, सीक एक्शन। सर एक्चुअली क्रिकेट सट्टे में मेरा भी बहुत नुकसान हुआ है। सर सर मैं आकर सारे पैसे लौटा दूंगा। कोई फायदा नहीं, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा तुम पर। बेहतर तो ये होगा कि तुम यहाँ आकर अपनी गलती ऑफिशियली कबूल कर लो। सर आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं आपको ही गलत साबित कर दूंगा सर। अपनी ऊंची पहुंच की धमकी दे रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हेलो डीजीएम साहब, विनीत बोल रहा हूं। हाँ बोलो। सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रगति बैंक? क्या? कस्टमर्स की कंप्लेन आई तो मैं पर्सनली एटीएम चेक करने गया। मेरे साथ मेरी ब्रांच के मिस्टर शेख भी थे। लिखो, शेख भी थे। अब सर फिनिकल के आधार पर तो ऐसा होना चाहिए कि सर हमारी छानबीन से कुछ संगीन बातें सामने आई हैं। एटीएम की नगद में कुल 35 लाख रुपए की कमी पाई गई है। फिनिकल में दर्शाई गई अमाउंट वास्तव में एटीएम में उपलब्ध नहीं थी, जबकि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एटीएम के संबंध में जो राशि फिनिकल में दिखे वही राशि एटीएम में उपलब्ध होनी चाहिए। यस। सौरभ के खाते में उसकी इनकम से अधिक राशि का लेन देन हुआ है। शाखा के अन्य कर्मियों के खाते से भी सौरभ के खाते में ट्रांजैक्शंस हुए। खंडाला शाखा की पीओ आरोही उसके खाते से भी काफी बड़ी रकम ट्रांसफर की गई। नॉट ओनली दैट सर, आरोही और सौरभ के खाते में काफी नकदी विभिन्न शाखाओं से जमा की गई और मनमीत नामक व्यक्ति के खाते में आरोही एवं सौरभ के खाते से करीब 55 लाख रुपए का भुगतान किया गया। सर मनमीत इस क्षेत्र का क्रिकेट का जाना माना सट्टेबाज है। क्रिकेट सट्टेबाजी में सौरभ उसके साथ पूरी तरह इन्वॉल्व था। मेरे ख्याल से उसी क्रिकेट के सट्टे में ये रकम का भुगतान किया गया। कब से जानती हो आप सौरभ को? जी वो मैं 6 महीने पहले हमारी ब्रांच में आया था। क्यों? इंटरबैंक रिकंसिलिएशन में मदद करने और डेटा बैकअप अपडेट करने। पर इस मुलाकात के बाद आप दोनों ने मिलकर फ्रॉड करना शुरू कर दिया, राइट? नहीं सर, वो मेरी शाखा में आया था और उसके बाद दो एक बार हम मिले होंगे। एविडेंस से तो ये लगता है कि आप खुद भी सौरभ के साथ इस रैकेट में शामिल थी। नहीं सर, मुझसे सिर्फ एक ही गलती हो गई, मैं उस पे यकीन करने लगी। मैं उसका यकीन करने लगी। सौरभ आपका ये गोरखधंधा कब से चल रहा है? सर जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पिछले साल सट्टेबाजी के जाल में फंस गया और तब से ये सब। सर सर मुझे माफ कर दीजिए। इसमें आरोही भी आपके साथ है? नहीं नहीं सर, आरोही का इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम आरोही को बचाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ, आरोही का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी किया मैंने किया है, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई स्टिल लव हर। आपको मालूम है आपके इस क्रिमिनल एक्शन से बैंक के इमेज को, कस्टमर के ट्रस्ट को कितना नुकसान पहुंचा है? इतना बड़ा फ्रॉड। सर मैं सौरभ का फादर हूँ, राम नरेश। प्लीज बैठिए। सर मैं मानता हूँ कि सौरभ ने बहुत बड़ी गलती की है, किंतु उसमें मेरी भी गलती है। मैं बचपन से उसे शानो शौकत और सहूलियत देने का शौकीन था। मुझे उसी वक्त उसको अच्छे संस्कार देने चाहिए थे। प्लीज सर, वो मेरा बेटा है, मेरा एकमात्र सहारा।
और मैं अपने रिटायरमेंट बेनिफिट से बैंक को हुए नुकसान की पूरी रकम चुका दूंगा। प्लीज प्लीज उसको छोड़ दीजिए। मिस्टर राम नरेश, सौरभ ने फ्रॉड किया है, इसका परिणाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। बैंकों के सिस्टम और प्रोसीजर इतने मजबूत हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं, एक न एक दिन तो फ्रॉड पकड़ा ही जाएगा। शॉर्ट कट्स इन लाइफ नेवर लीड टू सक्सेस। तो सर ऐसा कुछ कीजिए, उसे कम से कम सजा हो सर, उसे कम से कम सजा हो, उसे कम से कम सजा हो। साथियों, आपने देखा सौरभ एक बहुत ही ओनार और योग्य अधिकारी था, फिर भी जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वह धोखाधड़ी में लग गया। परिणाम स्वरूप अपने परिवार और बैंक की साख को भी बट्टा लगाया। याद रखिए, ऑनेस्टी ऑलवेज पेस, डिसऑनेस्टी रॉब्स ऑल। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बैंकों ने एक अभूतपूर्व योगदान दिया है। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों का त्वरित विकास हुआ है। इस वर्ष हमने प्रिवेंटिव विजिलेंस एज गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को थीम बनाया है 2015 के साल में, और बैंक इसमें अच्छा कार्य कर रहे हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का ये एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि आने वाले समय में बैंक प्रिवेंटिव विजिलेंस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, जिससे फ्रॉड और एनपीए पर कंट्रोल किया जा सके। धन्यवाद।